सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम दे कर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभ को विराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राग बने पड़े हैं। आज का पंचांग 28 जून 2021 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 2:16 तक रहेगा, दोपहर 2:16 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:28 से 9:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 12:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेरा राशि 28 जून 2021 दिन सोमवार। नए रचनात्मक विचार अभी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। संगीत, फैशन या कला के लिए अपनी जुनून को बताने के लिए यह अच्छा समय है। मनोरंजक गतिविधियों का मजा लें क्योंकि इस समय प्यार हवाओं में है। रोमांटिक पलों के लिए समय निकालें। अत्यधिक आत्मनिर्भरता और लालसा आज का मूल मंत्र है। आज आप में से कुछ अपने दिल और दिमाग में विरोधाभास महसूस कर सकते हैं। कुछ समय अकेले अपने लिए व्यतीत करें। आज आपको अपने जरूरी काम समाप्त करने की आवश्यकता है। गलती करना बुरा नहीं है पर उससे सीख ना लेना बुरा है। अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। इनके द्वारा आप अपने भावी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता से लगा रहेगा। घर में कोई धार्मिक गतिविधि भी संपन्न हो सकती है। मन ही मन में अनेक प्रकार की चिंता आज आपको सता सकती है, जिसे वक्त पर पाना आपको कठिन होगा। जिसे व्यक्त कर पाना आपके लिए कठिन होगा या व्यक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति भी प्राप्त नहीं होगा। खुद की समस्या का समाधान आज आपको खुद होकर ही निकालना होगा। खुद को मानसिक स्वरूप से अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करें। काम से संबंधित बातें जब तक पूरी नहीं होती तब तक बात की चर्चा किसी के साथ भी ना करें। आपके रिलेशनशिप से संबंधित लोगों से मिलने वाली गलत राय रिलेशनशिप को तोड़ सकती है। बढ़ती एंजाइटी की तकलीफ भी बढ़ेगी। सावधानियां, किसी के बातों में आकर अपने काम के प्रति लापरवाही ना करें। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ घर परिवार पर भी ध्यान देना जरूरी है। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव से घर का वातावरण चिंता मुक्त रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। यह समय आपके लिए संकट का समय भी हो सकता है। ज्ञान, फैशन या कला में आपकी रुचि किसी को भी आपके लिए पागल बना देगी। आपकी बातचीत का कौशल आपके प्यार को गहरा कर देगा। यह आपके जीवन का एक ऐसा चरण है जब आपका ध्यान निजी जीवन से हटकर स्वयं पर भी होगा। आज आप खुद के लिए कुछ स्पेशल करेंगे, जैसे अपनी शौक को पूरा करना या अपने किसी खास से मुलाकात। भावनात्मक उतार चढ़ाव आज आपके कार्ड्स में है। कोई समस्या है तो साथी से संपर्क करें क्योंकि प्यार हर जख्म को भर देगा। बात करते हैं करियर की। आज आप आधिकारिक मामलों या भाई बहन की परेशानियों को लेकर तनाव में आ सकते हैं। मौजूदा आर्थिक माहौल और अन्य परिस्थितियों में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है।
कीमती सामान या धन को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि भविष्य में अतिरिक्त आय की संभावना है। आज आप बेहद संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। आपके दिल और दिमाग में भी मतभेद हो सकता है, ऐसे में जीत आपकी भावनाओं की होगी। कुछ समय अकेले में समय बिताएं और अपने शौक को पूरा करें। अपनी प्राथमिकताओं को रिसेट करें और कौन सा काम कैसे करना चाहिए इसका सबसे अच्छा तरीका ढूंढें। बात करते हैं सेहत की। सर्वाइकल और मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने के लिए व्यायाम पर अधिक ध्यान दें तथा शरीर को उचित आराम भी देना जरूरी है। बढ़ती एंजाइटी की तकलीफ भी बढ़ेगी, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।